खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संचिता शुक्ला। तो ग्रह चक्र में जैसा कि आप जानते हैं हम बात करते हैं ग्रहों की और उनसे जुड़ी तमाम समस्याओं की। अगर आपको भी किस तरीके की समस्या है तो उसका समाधान हम ग्रह चक्र में लेकर आते हैं। तो ग्रह चक्र में आज हम बात करेंगे कि कुंडली में कैसे जाने धनवान बनने के योग, जिसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। अगर आप भी पंडित जी से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें और हमारे फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें और समस्या का समाधान पाएं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुंडली में किस प्रकार से जाने कि धनवान बनने के योग है या नहीं। बिल्कुल, देखिए आज का विषय बहुत सुंदर चुना है संचिता जी आपने। और अमूमन हमारे पास जितने भी प्रश्न आते हैं इस लोकप्रिय कार्यक्रम जो ग्रह चक्र है न्यूज़ वर्ल्ड चैनल का, इसमें अधिकतर लोगों के प्रश्न हैं कि कैसे हम धनवान बन सकते हैं, अर्थात धन कैसे कमा सकते हैं। देखिए आज के दौर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो धन को लेकर है। आप लगातार देख रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में परिस्थितियाँ थोड़ी सी कमजोर हुई हैं। आम जनता की जो परचेसिंग पावर है अर्थात क्रय करने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर हुई है, उसके चलते लगातार मनुष्य परेशान है। अच्छा, उसके पीछे कारण भी सबसे बड़ा ये है कि जितने भी हमारी आम जनता है सुख सुविधाओं की ओर उनका मन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए कमोबेश धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और धन की आवश्यकता के लिए धन ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें ज्योतिष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए ज्योतिष आपकी कुंडली में ये बहुत आसानी से बतला देता है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में धन कमा सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी योग होते हैं आपकी कुंडली में जिसके चलते धन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले उसके लिए हमको कुंडली को देखना बेहद आवश्यक है कि आपकी कुंडली को बहुत ध्यान से देखें कि कुंडली आपकी किस प्रकार से है। कुंडली में क्या आपको देखना चाहिए, कुंडली में 2 भावों की ओर आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए। आपकी कुंडली में 2 प्रमुख भाव होते हैं, एक तो द्वितीय भाव और दूसरा होता है एकादश भाव। इसके अलावा कुंडली में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो पंचम भाव की होती है, दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाग्य भाव और तीसरा महत्वपूर्ण भाव होता है कर्म भाव अर्थात दशम भाव। तो ये 3ों भावों का रहना अपने आप में बेहद ज़रूरी है। यदि ये 3ों भाव मजबूत होते हैं तो आप मानकर चलिए कि जातक की कुंडली में परेशानी कम से कम होती है। पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, पंकज मुंबई से। पंकज अपना सवाल करें पंडित जी से। पंडित जी मेरा सवाल ये है सर, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, होते हैं फिर चले जाते हैं। ठीक है पंकज, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 1993 जी। 8 मई 1993। अच्छा, 8 मई 1993 जी। समय बोलिए पंकज। समय रात 8 बजे। रात 8 बजे समय है आपका। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? मुंबई का ही मेरा, बांद्रा। अच्छा, आपका प्रश्न विवाह को लेकर है कि विवाह कब तक होगा। तो मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब दिए देता हूँ। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है, ज्येष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में जन्म हुआ है। बात आती है विवाह की कि आखिर विवाह कब तक होगा। देखिए विवाह के योग लगातार बने हुए हैं और इस समय शुक्र की महादशा भी आपके ऊपर चल रही है, परंतु थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर 2019 को आपके ऊपर शुक्र का प्रत्यंतर, शुक्र में शनि और शनि में भी शुक्र का प्रत्यंतर आने वाला है, तो आप इस दशा का इंतजार करें। और उसी दौरान गुरु का गोचर जो है वो धनु राशि में होगा, तो धनु राशि में गुरु का गोचर नवंबर के बाद से विवाह के योग बनाएगा। एक उपाय मैं आपको बतलाना चाहूँगा, संभव हो तो आप उस उपाय को अवश्य कीजिएगा। उपाय इस प्रकार से है कि आप अपने सीधे हाथ का जो पहली उंगली है जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसमें एक पुखराज रत्न जिसका वजन 5 से 6 रत्ती के बीच का हो आप उसको धारण करिए, मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आपको आपकी समस्या का समाधान भी जरूर मिलेगा। पंडित जी हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुंडली में वो कौन सा भाव होता है जो व्यक्ति को धनवान बनाता है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है संचिता आपका। देखिए, बात आती है कुंडली में कौन सा भाव है। देखिए, कुंडली में दो भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो कि जातक को धनवान बनने में बहुत मदद करते हैं। जातक की कुंडली का द्वितीय भाव, जिसको हम धन भाव भी कहते हैं, वहीं से धन की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, ये पता लगती है आपको। दूसरा, आपकी कुंडली का एकादश भाव, एकादश भाव में कौन सी राशि बैठी है ये भी हमको बतलाती है, और वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है ये भी हमको वहाँ से जानकारी मिलती है। यदि जातक अपनी कुंडली में इन दोनों भावों के साथ साथ अपने कर्म स्थान को थोड़ा सा मजबूत कर ले, देखिए काम करने से धन आएगा, अर्थात ग्यारहवां भाव जो कि आय का भाव होता है, जिससे ये पता लगता है कि जातक के पास कितनी आय होगी, बताता कौन है, एकादश भाव का स्वामी। मान लीजिए आपकी कुंडली, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देके तय करते हैं, यदि आप मेष लग्न की कुंडली के जातक हैं, मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव वृषभ राशि का होता है और एकादश भाव यानी कुंभ राशि, तो एक का स्वामी शनि हो और दूसरे का स्वामी शुक्र है, तो आप अपनी कुंडली में यदि शुक्र और शनि को मजबूत बना लेते हैं, कोई भी कुंडली हो, आप यदि इन दोनों भावों को, अर्थात आपको नियमित रूप से आय होती रहे, जिसके चलते आपके जीवन की जो परेशानी है वो थोड़ी सी दूर हो सके। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप अपने धन भाव को थोड़ा सा मजबूत बना लें, उस भाव का जो स्वामी ग्रह है उसके उपाय कर लें, तो मुझे लगता है कि आपको आपके जीवन में धन, अर्थात धन की समस्या नहीं रहेगी। जब आय आपके पास कई गुना ज़्यादा तरीके से आएगी तो धनवान आपको बनना पड़ेगा। और देखिए, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो लग्न का जो स्वामी ग्रह है उसकी भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप अपने कुंडली के इन भावों को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही भाव जब मजबूत होंगे तो आपकी कुंडली में जो धनवान बनने के योग हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से अवश्य मजबूत होंगे। तो धनवान कैसे बने ये तो आप पंडित जी से जान ही रहे हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी आप कोई सवाल करना चाहते हैं, अपने जीवन से जुड़ी किसी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो उसके टेलीविजन में हमारे नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉल करें और पंडित जी से सवाल भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं जी। जानना चाहूंगी आपसे, धनवान बनने के लिए कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों का होना अत्यावश्यक है। देखिए, कुंडली में आपको धनवान बनना है, बहुत पैसा आप कमाना चाहते हैं, तो किस प्रकार के ग्रह, देखिए मैंने आपको अभी सबसे पहले बतलाने की कोशिश की कि आपको आपकी कुंडली का धन भाव यानी द्वितीय भाव उसको मजबूत होना चाहिए, और आय भाव आपका मजबूत होना चाहिए यानी एकादश भाव। अब किस प्रकार से ग्रह हो, देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि धन भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या बारहवें भाव में हो, तो आप जितना धन कमाएंगे वो सारा पैसा जो है कहीं ना कहीं खर्च में पड़ जाएगा, लगातार आप कर्ज के जाल में फंसे रहेंगे। तो आपको इन जालों से, इन कर्ज के जालों से मुक्ति पानी है, तो आपको आपकी कुंडली में आपके धन भाव के स्वामी को मजबूत करना है। बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ कि यदि आप मिथुन लग्न के जातक हैं, मिथुन लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, यदि चंद्रमा बारहवें भाव में बैठ गया लगातार खर्च बढ़ेगा, पैसा आएगा ही नहीं, तो आपको आपके धन भाव के स्वामी को मजबूत बनाना है। कैसे मजबूत बनाना है, उन ग्रहों के से संबंधित उपाय भी करना है। कई बार धन भाव का यानी द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह जो है वो कुंडली में मारक भी होता है, तो आप ऐसा नहीं कि उसका रत्न तुरंत धारण कर लें, आपको क्या करना चाहिए उससे संबंधित छोटे छोटे से उपाय, जैसे मान लीजिए चंद्रमा ही है, द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह है, बारहवें भाव में पड़ा है, तो क्या करें, मोती रत्न तो पहनना ही चाहिए ताकि वो मन को शांत रखेगा, साथ साथ आपकी कुंडली में धन को भी लेकर आएगा। दूसरी और सबसे बड़ी चीज, चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, तो आपको नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इसके अलावा कुंडली में कुछ विशिष्ट ग्रह भी हमेशा पाए जाते हैं, यदि कुंडली में धन भाव में गुरु बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं गुरु आपको बेहद लाभ अवश्य देता है। पंडित जी के बताए उपायों को भी आप अपनाएं तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सुकन्या श्रीवास्तव हैं मथुरा से। सुकन्या अपना सवाल करें। हेलो जी सुकन्या बोलिए। मेरी जन्म तिथि 23/9/1991 है। हाँ। दोपहर 11:53 का समय है। हाँ।
मेरा सवाल है कि मेरी जॉब में बहुत दिक्कत आ रही है और मेरी जॉब में दिक्कत आ रही है और शादी कब तक होगी। चलिए आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ सुकन्या। वृश्चिक लग्न कुंभ राशि की आप जातक हैं। बात आती है सबसे पहले नौकरी की, तो मुझे लगता है कि नौकरी की जो समस्या आपके जीवन में लगातार बनी हुई है और वर्तमान में जो चल रही है उससे मुक्ति आपको जो है अक्टूबर के माह में 10 अक्टूबर के आसपास आपको मिल जाना चाहिए और उसके बाद आपको एक स्थायी काम अवश्य प्राप्त होगा। बात आती है विवाह की, तो देखिए इस समय विवाह के योग बने हुए हैं और विवाह के योग और मजबूत बनेंगे 23 नवंबर के बाद से। 23 नवंबर 2019 से आपका समय जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेहतर चलने वाला है, तो आप इस समय का इंतजार करें और विवाह के लिए आप प्रयास करती रहें। संभव हो तो एक पुखराज रत्न सीधे हाथ की पहली उंगली में जिसका वजन 8 से 9 रत्ती के बीच का हो सुकन्या उसको धारण करें, मुझे लगता है उससे अवश्य लाभ मिलेगा। सुकन्या पंडित जी के बताए हुए उपाय को आप जरूर अपनाएं और आपकी समस्या का समाधान भी जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आय भाव और घर भाव को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं पंडित जी, धन भाव को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए बड़ा सुंदर सा प्रश्न संचिता आपने किया है और ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभकारी है। मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि आप इस प्रश्न को बहुत गौर से और इसके उत्तर को बड़े गौर से आप अवश्य सुनिएगा। देखिए आय भाव और धन भाव को मजबूत करने के क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, देखिए धन की जो देवी है वो है लक्ष्मी, तो आपको लक्ष्मी को कहीं ना कहीं प्रसन्न करना पड़ेगा। लक्ष्मी को आप प्रसन्न नहीं करेंगे तो आपको आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं? आप लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। देखिए लक्ष्मी जो है उनका जन्म अमावस्या को हुआ था, दीपावली की जो जो पर्व होता है उसमें घनघोर अमावस्या में स्वाति नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, तो जब भी किसी अमावस्या को स्वाति नक्षत्र या तुला राशि पड़े तो आप उस दिन से क्या करें, लक्ष्मी जी की स्थापना अपने घर में अवश्य कराइए। लक्ष्मी जी का जन्म जो है वो अंधकार के ऊपर विजय का पर्व है, तो आप दीपक जरूर जलाइए। रात के समय आप अपने घर के जो दो मुख्य द्वार हैं वहाँ पर दो छोटे छोटे से दीपक, तेल के दीपक आप जलाइए, जो तेल आपके घर में हो, लेकिन यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो मुझे लगता है कि वो कई गुना आपके लिए बेहद लाभकारी अवश्य रहेगा। इसके बाद लक्ष्मी पंडित जी यहाँ पर आपको थोड़ा समय रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक और क्योंकि कॉलर जुड़ गए हैं। हेमंत चतुर्वेदी हैं डबरा से। हेमंत अपना सवाल करें। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार हेमंत भाई। जी मुझे अपने करियर को लेकर सवाल पूछना है। ठीक है पूछिए हेमंत भाई। तो मतलब मेरे करियर को लेकर कैसा कुछ रहेगा, क्या रहेगा? बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ बताएं हेमंत अपने। डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1990। 17 दिसंबर 1990 समय बोलिए। शाम 4:10 मथुरा में जन्म हुआ था। अरे वाह बहुत सुंदर जगह आपका जन्म हुआ है मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। देखिए आपकी कुंडली बहुत अद्भुत है, कुंडली इस प्रकार से है वृषभ लग्न और धनु राशि की कुंडली है और मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमाल की है, शनि जो भाग्येश है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है राहु के साथ युति बनाते हुए, उच्च का बृहस्पति पराक्रम भाव में केतु के साथ पड़ा हुआ है और छठ अष्टम भाव में सूर्य बुध चंद्रमा और शुक्र। देखिए आपका जन्म अमावस्या का है, लक्ष्मी वाले दिन आपका जन्म हुआ है तो आप लक्ष्मी की पूजा करें। कैरियर की जहाँ तक बात है देखिए भाग्य शनि जनवरी 2020 में भाग्य स्थान में पुनः प्रवेश करेगा तो आपकी कुंडली को खोल कर जाएगा। संभव हो मतलब, हाँ जी बोलिए। छोटा सा निवेदन, खुद के काम के लिए वो नहीं करेगा, खुद का काम शुरू कर सकता हूँ एंटरप्राइज। देखिए हेमंत आपकी कुंडली में खुद का काम शुरू करने के योग बनते हैं, परंतु उसके लिए मैं आपको इतनी सलाह अवश्य दूंगा कि आपको जनवरी तक थोड़ा रुकना चाहिए। जनवरी के उपरांत आप करें एक नीलम रत्न जरूर धारण करें जिसका वजन 8 से 9 रत्ती का हो, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में हेमंत पहने, मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमंत। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा और आपके करियर के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी हम आपसे आय भाव और धन भाव को मजबूत करने के बारे में जान रहे थे। बिल्कुल, तो मैं आपको लक्ष्मी जी के कुछ उपाय बता रहा था। देखिए लक्ष्मी जी की स्थापना करें अमावस्या के दिन और स्थापना करने के उपरांत माता की पूजा आप अभिषेक के साथ करें। कैसे? दूध दही घी शहद और शक्कर इसके साथ आप माँ जगज्जननी का अभिषेक करें और अभिषेक करने के उपरांत उनका एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम श्रीम SHREEM
तो बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, आप इस मंत्र का जाप करिए। कमल गट्टे की माला से जितने बार रात्रि काल में आप उनके मंत्र का जाप करेंगे आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। इसके बाद एक बहुत सुंदर सा उपाय है धनवान बनने के लिए, वो उपाय है आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। तो आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करें, श्री माने लक्ष्मी, और इस दुनिया में सबसे बड़ा यंत्र जो है वो श्री यंत्र, तो आप श्री यंत्र की स्थापना करें, धनवान बनने में लाभकारी होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बतलाना चाहूँगा, आप अपनी कुंडली के भाग्येश को हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आपका भाग्य मजबूत होगा तो धन स्वतः ही आपके पास अवश्य आएगा और आप अवश्य धनवान बनेंगे। एक कमाल की चीज़ मैं आपको इसी दौरान बतलाना चाहूँगा, बिल गेट्स की एक बड़ी मशहूर कुंडली है, बिल गेट्स की कुंडली मिथुन लग्न के जातक थे, मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक थे, और आप देखिए उनकी कुंडली में आय भाव का जो स्वामी है मंगल, वो बैठा हुआ था अष्टम भाव में उच्च का होके। तो आप देखिए उन्होंने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उच्च का मंगल अष्टम भाव में होते हुए भी जातक को आज आप देखिए दुनिया में जो तीन सबसे ज़्यादा धनी लोग हैं उनमें से एक धनी है बिल गेट्स साहब। तो उन्होंने अपने मंगल को मजबूत बनाने की कोशिश की, आप देखिए वो हनुमान जी की मूर्ति हमेशा अपने पास रखते हैं, लाल रंग का कपड़ा अपने पास हमेशा रखते हैं। तो आप अपने आय भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना करना भी अपने आप में बहुत लाभकारी होता है, तो उसको आप कराइए, तो मुझे लगता है कि उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। कोशिश करके देखिए, धन और लक्ष्मी, वैभव और विलासिता दोनों आपके चरणों को अवश्य छुएंगे। पंडित जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, दीपक हैं भोपाल से, दीपक अपना सवाल करें। दीपक से हमारा संपर्क शायद टूट चुका है, कोई बात नहीं, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी हम आपसे जान रहे थे कि कोई उपाय जिसको करने से धनवान बना जा सकता है, उसके बारे में कोई आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए धनवान बनने के लिए एक और बड़ा चमत्कारी टोटका है, कोई भी व्यक्ति जिसकी जिसकी कुंडली में धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या करें धनवान बनने के लिए, एक छोटा सा टोटका है, इसको आप अमावस्या के दिन करिए। एक लाल रुमाल ले लीजिए, लाल रेशमी कलर का कपड़ा ले लीजिए आप, उसको क्या करिए उसमें 5 लाल गुलाब के पुष्प रखिए, 5 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ उसमें रखिए, 5 उसमें आप कोई भी ऐसी सुगंधित वस्तु रखिए जो आपके पास आपको बहुत आसानी से मिलती हो, उसमें आप 10 ग्राम के आसपास या 1 ग्राम जो आपके पास संभव हो उतना केसर जरूर रखिएगा आप रखिए, और इस पोटली को बनाकर आप अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए, और जब भी आप पूजा करें तो उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, बहुत सुंदर सा मंत्र है। तो आप इस मंत्र से जो है आप इस मंत्र का जाप करें, और जितने बार आप जाप कर सकते हैं उतना जाप करें, कोशिश करें कि हर अमावस्या को लगातार 5 अमावस्या पे आप जब भी हवन करें तो इस मंत्र से हवन करें, और जो आपने रुमाल और जो आपने सारी चीज़ बनाई है उसको आप एक लकड़ी के बाजोट या पटे पर रख लें, उसके सम्मुख रख कर आप इस मंत्र से हवन करें, और कमल गट्टे के जो फल होते हैं उसको आप हवन सामग्री में अवश्य इस्तेमाल कीजिएगा, करके देखिए आपके घर में धन हमेशा बना रहेगा। पंडित जी के बताए हुए उपायों को अपनाएं और आप भी धनवान बन सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं पंडित जी, रजनी भाई हैं गुजरात से, रजनी सवाल करें अपना। हेलो हेलो जी, बोलिए रजनी भाई। मैं जामनगर गुजरात से बोल रहा हूँ सर जी। मेरा नाम है रजनी भाई जी। मेरा जन्म हुआ है 25/8/82 जी, और सुबह में 4 बजे। सुबह में 4 बजे, कहाँ का जन्म है आपका, जन्म स्थान कहाँ? मेरा जन्म गुजरात जामनगर। अच्छा, जामनगर का। जी रजनी भाई क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि सर बहुत कमा रहा हूँ लेकिन थोड़ा बचत नहीं हो रही है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी कुंडली में बचत करने के लिए कैसे आप बचत करें और क्या जानना चाहते हैं रजनी भाई? और मेरा एक लड़का भी है सर जी, वो भी पढ़ रहा है जी,
10 पास किया है और वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने जा रहा है इलेक्ट्रिक जी, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? उसका जन्म तारीख है 25 एक मिनट सॉरी नहीं, मैं आप ही की कुंडली, आप ही की कुंडली से आपके बेटे की कुंडली बता देता हूँ, आप पूछ लीजिए फिर भी बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, और उसको इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा करवाने का है जी, तो उसका भविष्य क्या हो सकता है? मैं दोनों की कुंडली के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी कुंडली में धन कैसे रुक सकता है, कर्क लग्न और धनु राशि के जातक हैं। देखिए धन के रोक, धन को रोकने के लिए आपको आपके चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको 15 से 16 रत्ती का एक गोल मोती आपको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना पड़ेगा। आप धारण कर लीजिए, धन आपके पास रुकने लगेगा। बात आती है संतान की, संतान की उन्नति कैसे हो, चूंकि आपकी कुंडली में और आपके बेटे की कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है, तो आपको बुध को मजबूत करना पड़ेगा। भगवान गणपति की पूजा अर्चना करें, या आपके बड़े जो भी हो, पिताजी हो, माताजी हो, जो भी घर के बड़े हो, जब भी आप घर से निकलें या आपके बेटे साहब घर से निकलें, तो उनको प्रणाम करके निकलें, और आपके बेटे साहब यदि कहीं दूर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके फोटो को प्रणाम करके निकलें। इतना करने मात्र से उनका जीवन बेहतर अवश्य बनेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। इन उपायों को अपनाएं, आपका जीवन सुखद रहेगा। पंडित जी, हमने बहुत सारे सवाल तो आपसे किए, कई सारी बातों को भी जाना कि धनवान बनने के उपाय क्या हैं, कैसे बना जाए, और उनके योग के बारे में भी जाना। लेकिन ये सवाल भी एक आता है कि अगर जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार के योग अगर नहीं बनते हैं तो वे व्यक्ति धनवान बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, या उन्हें किसी प्रकार के उपायों को अपनाना पड़ेगा? देखिए, आपकी यदि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म कुंडली नहीं होती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिषियों के पास नहीं जा पाते, कैसे धनवान बने? बहुत सुंदर सा तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ, आप कुछ नहीं करें, केवल आप लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए। माता महालक्ष्मी धन की देवी हैं, आप उनके चित्र को अपने घर लगा लीजिए, चित्र आपको आसानी से मिल जाएगा। रोज उनके चित्र के सम्मुख आप एक तेल का दीपक जलाइए, एक मीठा कुछ भी, चाहे शक्कर का भोग लगाएं या कोई भी मीठा आपको जो पसंद हो, बेसन की मिठाई बहुत पसंद है, मालपुआ उनको बहुत पसंद है, उसका भोग लगाइए। मुझे लगता है कि इसको आप करेंगे तो इससे आपके जीवन में धन स्थिर रहेगा और धनवान बनने की ओर आप अग्रसर अवश्य रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, हरिराम पांडे पश्चिम बंगाल से। हरिराम, अपना सवाल करें। जी नमस्कार। नमस्कार हरिराम जी। पंडित जी, मेरा एक सवाल है, मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 30/5/83 30/5/1983 और 11:56। 11:56 कहाँ का जन्म है आपका? आरा बिहार। आरा, आरा बढ़िया जी। आरा, हाँ जी, आरा बिहार जी जी, वहाँ डेट ऑफ प्लेस है सर, बर्थ प्लेस है। बिल्कुल आरा आ गया है जी जी। तो हमारा ये सवाल है कि पैसा तो आता है लेकिन कर्ज हमेशा रहता है और पूरा खर्ची हो जाता है। देखिए, उसके पीछे दो कारण है। पहले आपकी कुंडली का विश्लेषण, सिंह लग्न और धनु राशि के जातक हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए, पैसा क्यों खर्च हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, धन भाव का स्वामी बुध जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होके पड़ा हुआ है। तो आप अपने बुध को मजबूत बना लीजिए। बुध द्वितीय भाव का स्वामी भी है और आपकी कुंडली में आय भाव का स्वामी भी है, तो आप अपने कुंडली में बुध को मजबूत बना लीजिए। एक पन्ना रत्न यदि संभव हो तो जरूर धारण करिए, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, और उसका वजन लगभग 9 से 10 रत्ती का हो, और संभव हो तो उसके साथ एक मूंगा रत्न जरूर पहनिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में आपका भाग्येश मंगल अस्त होकर दशम भाव में पड़ा हुआ है, तो मंगल को आप मजबूत करेंगे, धन भाव और आय भाव के स्वामी बुध को मजबूत करेंगे, निसंदेह आपके जीवन में कमी कभी नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरिराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। पंडित जी के बताए हुए उपायों को अपनाएं, आपकी समस्या का समाधान भी बहुत जल्द होगा। इसी के साथ ही पंडित जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की और लोगों को बताया कि धनवान बनने के योग के बारे में। और इसी के साथ ही ग्रह चक्र में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे हम कुछ और नए मुद्दे के साथ में, किसी और नए विषय के साथ में, और उसके समस्या का समाधान भी हम लेकर बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।